शांति। आज 2 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर है, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो, दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह ही पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे सस्ती सर्विस स्थान ही म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता है। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान उवाच है ना, यह है फॉरेस्ट। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के, न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सावरंटी को मानते नहीं, इसलिए राजाओं के राजे खत्म कर दी हैं। इस समय वो भी तमोप्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। उनका भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं, जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पाड़ बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का यह पाठ चलता है। खर्चा भी तुम ही बच्चे करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्च कर अपने लिए सतयुगी राजधानी बना रहे हो, और किसको पता भी नहीं है तुम्हारा नाम मशहूर है अननोन वॉरियर्स। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं है, सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पावर नहीं। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतोप्रधान बने तो राज्य भी सतोप्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है, जो है परंतु देखने में न आए। तुम शिव बाबा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते, तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके, यह है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सबको स्मृति नहीं रहती है, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलते हैं। बाहर वाले तो कोई समझ न सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप ही ब्राइड ग्रूम। वो आते ही है सर्व की सदगति करने।
तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, तुमको डबल इंजन मिले हैं, रोल्स रॉयल में इंजन बहुत अच्छी होती है, बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पति पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते, तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गवाना है, पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति ले उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का, यह है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझकर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो तुम जब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल न सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से कोई सजाओं से, मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिकल भी कराते रहते हैं, कहा भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं, भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद न करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में है, यह किसको भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर। बाप बच्चों को उलहना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझे पारलौकिक बाप को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर, अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भूल नहीं करनी है। यह भी समझाया है भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेंगी नहीं, मंजिल है ना। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत चाहिए, सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए, टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं
जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करने चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु हैं, तुम श्रीमद् प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है, यहाँ सात रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो, तो बच्चों को बहुत खुशी होने चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं, यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्जा चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, हमने इतना दिया हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है ना, राजाए रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वे कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे, तो शोभा बा जो दाता है वह कैसे लेंगे। यह बेहद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे, तो मैंने दिया यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, वहाँ तुम पदमपति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कई मनहूस यानी कंजूस भी हैं, समझते ही नहीं है कि पद्मा पदम पति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर हैं तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर हैं तो 21 जन्मों के लिए देते हैं। यह गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी यह मालूम नहीं है कि कौन देते हैं। बाप जाने बाप की गोथरी यानी ब्रह्मा जाने, जिसमें बाप रहते हैं, बिल्कुल साधारण। इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है, ज्ञान योग नहीं तो खिट खिट चलती रहती हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती हैं, माया बेमुख कर देती हैं। शुबाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, भगवान आकर एडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनाकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है, आज का वरदान है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। विश्लेषण है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त हैं, एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह
और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है, तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं सदा राजी रहने वाले बनो। आज का स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अच्छा, ओम शांति।